हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आइक वर्जन 1 के बारे में। आइक वर्जन 1 में क्या फेजेस होते हैं, उसमें फेजेस में कौन कौन सा मोड किस फेज में काम करता है, मेन मोड की ज़रूरत कब होती है, एग्रेसिव मोड कब चाहिए होता है, क्विक मोड कब आता है, हम इस सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा फॉर लेवल 1, और अगर इसके इनडेप्थ की बात करें तो हम नेक्स्ट पार्ट जो होगा हमारा लेवल 2, उसके अंदर हम इसका डीप डाइव सेशन करेंगे। तो पहले हम एक बेसिक ओवरव्यू समझ लेते हैं कि ये आइक वर्जन 1 के अंदर ये सारे मोड्स और फेजेस कैसे काम करते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए डीप डाइव मोड में जाने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब लेवल 1 में आइक वर्जन 1 के फेजेस के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो आइक वर्जन 1 में बेसिकली दो फेजेस होते हैं, एक फेज 1 होता है, एक फेज 2 होता है। जब फेज 1 की बात होती है तो फेज 1 में या तो मेन मोड काम करेगा या एग्रेसिव मोड काम करेगा। मेन मोड ज़्यादा बेटर रहता है, ज़्यादा सिक्योर होता है, उसके अंदर 6 मैसेजेस होते हैं, और जो एग्रेसिव मोड होता है उसके अंदर 3 मैसेजेस होते हैं। हम इन सबकी डिटेल आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ओवरव्यू आप जान लीजिए कैसा होता है। जब हम फेज 2 की बात करें, इसको हम IPsec SA बोलते हैं। फेज 1 को बोलते हैं हम आइक SA और फेज 2 को IPsec SA या चाइल्ड SA, और इसके अंदर जो मोड काम करता है उसको हम बोलते हैं क्विक मोड। अगर हम इसकी फंक्शनिंग के बारे में बात करें तो फंक्शनिंग कुछ इस तरीके की होती है। जो मेन मोड होता है उसके अंदर 6 मैसेजेस होते हैं, और उन 6 मैसेजेस में से डिस्ट्रीब्यूशन 2-2 मैसेजेस ईच का अगर हम करते हैं, तो ये जो फर्स्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला पार्ट जिसे बोलते हैं आइक पॉलिसी नेगोशिएशन, ये मैसेज 1 और मैसेज 2 इन दोनों के अंदर ये नेगोशिएशन होता है। नेगोशिएशन के अंदर जो फर्स्ट पार्टी होती है, यानी कि जो फर्स्ट मैसेज जो सेंटर से भेजा जाता है, उसके अंदर पॉलिसी नेगोशिएट होती है। क्या क्या नेगोशिएट होता है वो सब हम आगे डिटेल में समझेंगे, लेकिन जस्ट फॉर ओवरव्यू, पॉलिसीज नेगोशिएट होती हैं, कुछ सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स होती हैं जो नेगोशिएट होती हैं। और जब मैसेज 2 आता है, यानी कि मेन मोड के अंदर जो मैसेज 2 आता है, उसके अंदर रिस्पॉन्डर की साइड से ये जो पॉलिसी नेगोशिएट होती थी, उनमें से वो कुछ पॉलिसीज अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेता है, जैसे कि अपने हिसाब से एनक्रिप्शन सेलेक्ट करेगा, हैशिंग एल्गोरिथम या लाइफ टाइम, ये सब चीज़ें अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेगा और उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड कर देगा, क्योंकि दोनों पार्टीज़ को एक सेम लेवल पर होना ज़रूरी है, तभी जाके एक नेगोशिएशन होगा। जब हम मैसेजेस 3 और 4 की बात करते हैं, तो मैसेज 3 और 4 में बेसिकली वही काम होता है जिसके लिए आइक बना हुआ है, यानी कि की एक्सचेंज। तो उसमें डिफी हेलमैन कीज़ का एक्सचेंज होता है, और बेसिकली की एक्सचेंज नहीं है बोलेंगे हम इसको, डिफी हेलमैन की कीज़ क्रिएशन के बारे में डिस्कशन होता है। जो सेंडर होता है वो सारा मटेरियल भेजता है, जिसके बेसिस पे सेंडर भी क्रिएट करता है डिफी हेलमैन कीज़ और रिस्पॉन्डर भी क्रिएट करता है। दोनों अपनी अपनी पैन पे क्रिएट करते हैं और उसके हिसाब से ये आगे बढ़ते हैं। जब हम लास्ट मैसेजेस पे आते हैं, तो इसमें लास्ट मैसेजेस में यहाँ पे जाके ऑथेंटिकेशन होता है। ऑथेंटिकेशन किसका, हम ये सारा प्रोसेस जो कर रहे हैं वो आइडेंटिटी हाइड करने के लिए कर रहे हैं, ताकि किसी और को ये पता ना चले कि एक्चुअल में ये कौन से VPN पीयर्स हैं, हम उस आइडेंटिटी को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है ऑथेंटिकेशन वाला, हम सबसे पहले आइडेंटिटी कंफर्म कर लेते हैं कि सही आइडेंटिटीज भेजी जा रही हैं, उनको हाइड किया जाता है। ये जो लास्ट के जो 2 मैसेजेस होते हैं 5 और 6, ये एनक्रिप्टेड होते हैं। एनक्रिप्टेड क्यों होते हैं, क्योंकि इससे ठीक पहले, यानी कि मैसेज 3 और 4 के अंदर, यहाँ पर ये 3 और 4 में यहाँ पर डिफी हेलमैन की एक्सचेंज हुआ था, तो उसे होने के बाद आगे की जो भी कम्युनिकेशन होगी वो सारी के सारी इन डिफी हेलमैन कीज़ की वजह से एनक्रिप्टेड हो गई। तो ये होता है लास्ट के 2 मैसेजेस में। इसीलिए जब हम देखते हैं इंक्रिप्शन लेवल, तो ये स्टार्टिंग के 1, 2, 3, 4 ये वाले जो मैसेजेस होते हैं, ये प्लेन टेक्स्ट क्लियर टेक्स्ट में जाते हैं, लेकिन जब ये जो लास्ट वाले जो 2 मैसेजेस होते हैं 5 और 6, ये जाते हैं एनक्रिप्टेड हिडन फॉर्मेट में, जिसको कोई रीड नहीं कर पाता, क्योंकि उससे ठीक पहले यहाँ पे हमने कीज जनरेट कर ली है, इस वजह से हम आराम से कर सकते हैं इसको। इसी की जगह जब हम फेज 2 की बात करते हैं, तो फेज 2 में क्विक मोड काम करता है। क्विक मोड जो फेज 2 होता है वो हमारा एक्चुअल डेटा ट्रांसफर के लिए काम आता है। ये जो आप फेज 1 ऊपर देख रहे हैं, ये वाला जो फेज 1 है, इसके अंदर हम डेटा ट्रांसफर नहीं करते, इसके अंदर सिर्फ हम नेगोशिएशन करते हैं, हम एक सिक्योर टनल बनाने के लिए, ताकि हम फेज 2 के अंदर जाके डेटा भेज सकें, उससे पहले हम एक सिक्योर टनल बनाते हैं, ताकि पूरा सेटअप रेडी हो और हमारा जो डेटा हम भेजने वाले हैं वो प्रॉपर सिक्योर चला जाए। यानी कि आप मान के चलिए कि एक आउटर टनल है और एक उसके अंदर इनर टनल है, ये इस तरीके से काम करता है। ये जब हम फेज 1 में डिस्कस कर रहे हैं, इस आउटर टनल की बात कर रहे हैं, यानी कि ऊपर ऊपर सिक्योरिटी टनल बनाना, सिक्योर टनल फॉर्म करना, और ये सब चीज़ों की डिस्कशन करते हैं। जब एक्चुअल डेटा भेजने की बात आती है, तो ये आता है फेज 2 के अंदर। फेज 2 के अंदर हम एक्चुअल डेटा भेजते हैं, तो इसीलिए इसकी सिक्योरिटी फेज 1 की सिक्योरिटी पर डिपेंडेंट होती है। जितना फेज 1 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना फेज 2 के लिए बढ़िया होगा। फेज 2 में भी अपनी सिक्योरिटी और अपनी नेगोशिएशन करने का ऑप्शन रहता है, जिसको हम PFS कहते हैं, पर वो ऑप्शनल होता है, कहीं किया जाता है कहीं नहीं किया जाता है। तो इसीलिए ये आपको पता होना चाहिए कि फेज 1 की सिक्योरिटी पर फेज 2 की डिपेंडेंसी होती है। जब हम यहाँ पर फेज 2 में बात करेंगे, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर IPsec SA एक्सचेंज होता है। IPsec SA मतलब यहाँ पे जो चाइल्ड SAs होते हैं, यानी कि जो सेकेंड जो वाला पार्ट होता है, यहाँ पर
इसकी यहाँ पर जो कीज जनरेट हुई थी, यानी कि फर्स्ट पार्ट में जो कीज जनरेट हुई थी, उसी के बेसिस पर फर्दर नेगोशिएशन होता है ताकि हम डेटा को सिक्योरली भेज सकें। इस सब की आगे की डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे इस कंप्लीट वीडियो में, अभी ओवरव्यू है तो आप इतना समझिए कि कैसे काम करता है। जब मेन बोर्ड के स्पेसिफिक सिक्स मैसेजेस की बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर एक्चुअल में भेजा क्या जा रहा है, क्या हो रहा है, ये आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जब भी मेन मोड फर्स्ट मैसेज की बात होती है तो फर्स्ट मैसेज के अंदर कुछ आई की तरफ से प्रपोजल भेजे जाते हैं, यानी कि जो इनिशिएट पार्टी होती है, इनिशिएटर, ये कुछ प्रपोजल्स भेजता है। प्रपोजल्स मतलब कैसे कि देखिए जैसे कि मैं ये एनक्रिप्शन करूँगा, मेरे पास ये वाला हैशिंग है, बेसिकली एक कॉम्पोनेंट होता है जिसे हम बोलते हैं शॉर्टकट है उसका हैगल। तो ये जो प्रपोजल की बात हो रही है इसके अंदर ये हैगल भेजा जाता है। हैगल मतलब हैशिंग कौन सा होगा, हम ऑथेंटिकेशन कौन सा करेंगे, हम जी मतलब डिफी हेलमैन ग्रुप, हम डिफी हेलमैन ग्रुप कौन सा यूज़ करेंगे, लाइफ टाइम कौन सा होगा, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम कौन सा यूज़ करेंगे, ये हैगल की जो डिस्कशन होती है इसी को बेसिकली हम प्रपोजल भेजते हैं। तो ये जो हैगल है, ये प्रपोजल है, ये इनिशिएटर की तरफ से भेजा जाता है। जो रिस्पॉन्डर होता है वो देखता है कि ऑलरेडी ऐसा कुछ है तो नहीं मेरे पास, ऑलरेडी ऐसा प्रपोजल तो नहीं है, अगर नहीं है तो ठीक है, वो बोल देता है कि ठीक है भाई डन है, हम इस आई प्रपोजल को एक्नॉलेज करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, आप आगे बढ़िए। तो ये जो रिस्पॉन्स आता है वो रिस्पॉन्डर की तरफ से आता है सेकंड पैकेट में, उसके बाद आई का एक्सेप्टेंस हो जाता है, वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, यानी कि दोनों पार्टीज एक कॉमन हैगल पर आ जाती हैं कि हम ये यूज़ करेंगे, यानी कि जैसे हम डैश यूज़ करेंगे या हम ट्रिपल डैश यूज़ करेंगे या हम AES यूज़ करेंगे, हम कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, इसी तरह हैशिंग के लिए हम SHA-1 यूज़ करेंगे, हम MD5 यूज़ करेंगे, ये सारी डिस्कशन होती है। ठीक है, डिफी हेलमैन में हम कौन सा ग्रुप यूज़ करेंगे, डिफी हेलमैन ग्रुप 1 यूज़ करेंगे, 2, 3, 4, 5, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर, तो हमें कॉमन ग्राउंड पे पहुंचना होता है, यही हमारा सारा पर्पज़ होता है ये आइक के फेजेस का। तो ताकि नेगोशिएशन हो सके, नेगोशिएशन होने के लिए दोनों पार्टीज़ का ऑलमोस्ट एक लेवल पे होना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे मैसेज 2 के अंदर जब यहाँ पर आ गया कि हमने एक्सेप्ट कर लिया ये प्रपोजल, उसके बाद ये मैसेज 3 की बात आती है। जो हम 3rd और 4th बात करते हैं यही मैसेजेस होते हैं जहाँ पे हम डिफी हेलमैन की बात करते हैं, यानी कि डिफी हेलमैन की एक्सचेंज की बात, यानी कि यहाँ पर की एक्सचेंज के लिए यानी की जनरेशन के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कीज जनरेट होती हैं। जब इनिशियल साइड जो सेंटर साइड रिस्पॉन्डर को इन्फॉर्मेशन भेजेगी तो उसके बेसिस पे जो रिस्पॉन्डर होगा वो अपने डिफी हेलमैन कीज जनरेट कर लेगा, इसी तरह जो रिस्पॉन्डर है वो की इन्फॉर्मेशन भेजेगा अपने एंड से, उसके बेसिस पे जो इनिशिएटर होगा वो अपनी कीज जनरेट कर लेगा, यानी कि दोनों साइड डिफी हेलमैन कीज जनरेट हुई। माइंड इट, कीज नहीं भेजी जा रही है, कीज जनरेट करने के लिए इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है जिसके बेसिस पे दोनों पार्टीज अपनी अपनी कीज जनरेट कर लेती हैं। तो यहाँ तक पैकेट नंबर 3 और 4 में यहाँ पर डिफी हेलमैन का एक्सचेंज हो गया। अब यहाँ पे जो लास्ट वाला पैकेट है, पैकेट नंबर 5 और जो 6 है, अब यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी और ऑथेंटिकेशन डेटा भेजा जाता है। ठीक है, इसके अंदर आइडेंटिटी पेलोड होता है, हैश पेलोड होता है, जो क्या होता है हम आगे चल के डिस्कस करेंगे इन डेप्थ, लेकिन अभी के अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझिए कि आइडेंटिटी और ऑथेंटिकेशन डेटा भेजा जाता है। लेकिन ये जो फेजेस होते हैं, जैसे कि आप कलर से भी यहाँ डिफरेंस देख रहे होंगे, इसका कलर और ये पहले जो मैसेजेस हैं इनका ब्लू कलर है, यहाँ पे ऑरेंज है, इंटेंशनली ऐसा रखा गया है। क्यों? क्योंकि लास्ट में जो 5 और 6 मैसेजेस होते हैं ये एनक्रिप्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले ही डिफी हेलमैन कीज जनरेट हो चुकी है, तो उस चीज़ का यूज़ करके हम इसको एनक्रिप्ट करके भेजते हैं ताकि कोई भी हमारा आइडेंटिटी और ऑथेंटिकेशन डेटा ना पहचान सके, उसको समझ में नहीं आए कि क्या हो रहा है। इसी तरह जब 5 मैसेज भेजा जाएगा तो उसके रिस्पांस में जो रिस्पॉन्डर होगा वो वेरीफाई करेगा आइडेंटिटी को, एक्सचेंज डेटा को वेरीफाई करेगा। करने के बाद जब वेरीफाई हो गया तो वो अपनी तरफ से भी आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन डेटा भेज देगा। वो भेजने के बाद सेम काम यही इनिशिएटर करेगा, वो भी वेरीफाई करेगा। दोनों साइड्स ने वेरीफाई कर लिया कि हमारी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारी ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन क्या है। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, आप अगर टनल फॉर्म करने वाले हैं, आपको सिक्योर टनल चाहिए, तो उससे पहले पता भी तो हो कि हम कौन सा सेंडर है, कौन सा रिस्पॉन्डर है, हम एक्चुअली बात किससे कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कभी भी किसी से बात करना शुरू कर दें, कुछ जानकारी कुछ इन्फॉर्मेशन भी तो होना ज़रूरी है ना, वही एग्जैक्टली यहाँ पे होता है। तो दोनों पार्टीज एक दूसरे को जान जाती हैं, कीज एक्सचेंज की वजह से क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई हम सेम ग्राउंड पर हैं, सब कुछ एकदम बढ़िया है। और जो 5th और 6th मैसेजेस होते हैं उनके अंदर आइडेंटिटी रिवील कर दी जाती है एक दूसरी पार्टीज़ को, सो दैट दे कैन कम्युनिकेट फ्रीली। ये जैसा हमने देखा मैसेज 1 और 2 आई प्रपोजल एक्सचेंज के लिए, मैसेज 3 और 4 डिफी हेलमैन की एक्सचेंज के लिए, मैसेज 5 और 6 आइडेंटिटी और ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज के लिए। अगर यही सब चीज़ हम इसमें देखते हैं एग्रेसिव मोड में, तो एग्रेसिव मोड में सिर्फ 3 मैसेजेस होते हैं और जो मेन मोड था उसमें हमारे 6 मैसेजेस होते हैं, तो वो थोड़ा सा लेंथी होता है लेकिन सिक्योर भी ज़्यादा होता है। एग्रेसिव मोड होता है सिर्फ 3 मैसेजेस होते हैं, जल्दी शुरू होता है, जल्दी फिनिश हो जाता है, फास्ट तो है लेकिन सिक्योर नहीं है, सिक्योरिटी का कंसर्न है यहाँ पर। अगर हम बात करें मैसेजेस की, तो इसमें जो टोटल 3 मैसेजेस भेजे जाते हैं उनको इस तरीके सेटअप किया जाता है कि जो एग्रेसिव मोड का मैसेज 1 है उस मैसेज 1 के अंदर ही इतना सब कुछ भर के भेज दिया जाता है कि जो टोटल 4 मैसेजेस में भेजा गया था मेन मोड के। 4 मैसेज में क्या क्या भेजा गया था? प्रपोजल भेजे गए थे और
डिफी हेलमन की एक्सचेंज भेजा गया था। तो इस चारों चीज़ें जो है ये एक ही मैसेज में भेजी जाती है। पर्पस क्या है, ये टाइम वेस्ट नहीं करता है। इसका सिंपल फंडा ये, जब इन्फॉर्मेशन देनी ही है मुझको तो मैं मेन मोड की तरह चार मैसेजेस क्यों वेस्ट करूँ, मैं एक ही मैसेज में सब कुछ भेज देता हूँ और भेजने के बाद अपना रिस्पॉन्डर अपना करता रहेगा कैलकुलेट जो उसको करना है, करने के बाद वो अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन मेरे को भेज देगा, मैं भी अपना कैलकुलेट कर लूँगा। तो इस बेसिस पे काम करता है क्विक एंड फास्ट। तो पहले चार मैसेजेस में इसने प्रपोजल भेज दिया, इसने डिफी हेलमेन की इन्फॉर्मेशन भेज दी। सेकंड मैसेज रिस्पॉन्डर की तरफ से आएगा कि भाई साहब थैंक यू सो मच, आपने मेरे पास इन्फॉर्मेशन भेजी थी वो प्रपोजल वाली, मैंने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिए हैं, आपने डिफी हेलमेन भेजा था, मैंने डिफी हेलमेन में भी ग्रुप्स वगैरह जो भी एक्सेप्ट कर लिया है और आपकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मैंने कीज जनरेट कर ली है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, दोनों सेम ग्राउंड पर हैं। उसी के बाद जब मैसेज थ्री आता है, मैसेज थ्री में ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट होता है। बस हम क्यों बोलते हैं कि अग्रेसिव मोड सिक्योर नहीं है, क्योंकि यहाँ मैसेज के अंदर जो कि आइडेंटिटी भेजी जाती है वो भी एनक्रिप्टेड नहीं होती है, यही सबसे बड़ा दिक्कत है इसके साथ, वरना वैसे अच्छा काम कर रहा था। आगे चल के हम वो भी जानेंगे, जब हम लेवल टू डिस्कस करेंगे तो हम ये जानेंगे कि वो कौन सी कंडीशन होती है जिसके अंदर एग्रेसिव मोड भी आइडेंटिटी को सिक्योर कर सकता है, एनक्रिप्ट कर सकता है, तो वो हम आगे समझेंगे। ये देखिए यहाँ पर वही सेम कंडीशन जो हम डिस्कस कर रहे थे, इनिशिएटर आई प्रपोजल भेजता है, यानी कि वही हैगल इन्फॉर्मेशन भेजता है जो हम वहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो हैगल इन्फॉर्मेशन भेजने के बाद यहाँ पे प्रपोजल हो गया, सारे प्रपोजल्स की इन्फॉर्मेशन जो की जनरेट करने काम आएगी, आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन सब कुछ यहाँ भेज दिया। रिस्पॉन्डर अपने एंड पे चेक करेगा कि मेरे डेटाबेस में ऑलरेडी कोई मैचिंग ये सब चीज़ें हैं कि नहीं है, अगर नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह कीज़ वगैरह की इन्फॉर्मेशन को देखेगा, अपने हिसाब से कीज जनरेट करेगा, आइडेंटिटी ऑथेंटिकेट करेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। उसके बाद वो अपना रिस्पॉन्स भेज देगा कि भाई मैंने जनरेट कर लिया, आपने कीज़ वगैरह आइडेंटिटी ऑथेंटिकेट कर ली, आप भी ये सब कर लो। तो यहाँ पर जाके सेकंड मैसेज में जब वो भेजता है तो वो आई प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी कीज जनरेट कर लेता है। सेकंड मैसेज पे दोनों साइड में अपने अपने डिफी हेलमेन कीज जनरेट हो गई हैं। लास्ट वाले मैसेज में यहाँ पर जाके अपना ऑथेंटिकेशन भेज देते हैं, ऑथेंटिकेशन डेटा जो भी होता है, तो ये ऑप्शनली एनक्रिप्टेड होता है। ऑप्शनली मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और वो कंडीशन ही बताएंगे कब एनक्रिप्टेड होता है कब एनक्रिप्टेड नहीं होता। यहाँ पे थर्ड मैसेज में जाके जो रिस्पॉन्डर है वो उस डेटा को, ऑथेंटिकेशन डेटा को वेरीफाई कर लेता है कि सब सही है, हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद जाके फेस टू के अंदर डेटा एक्सचेंज एक्चुअल में होता है। जब फेस टू की बात करते हैं तो फेस टू होता है क्विक मोड। क्विक मोड में सेम चीज़ें, ये प्रपोजल भेजा जाता है लेकिन वो प्रपोजल पहले वाले से डिफरेंट होता है। हम फर्स्ट वाले में आई प्रपोजल भेजते हैं और जो क्विक मोड वन है उसके अंदर हम आई पी सेक प्रपोजल भेजते हैं। बेसिकली इसे चाइल्ड एसए के लिए प्रपोजल होता है, यानी कि हम आगे जो बात करेंगे फेज टू के अंदर, यानी कि फेज वन की सिक्योर टनल बनाने के बाद जो हम फेज टू में बात करेंगे उसके लिए आई पी सेक प्रपोजल होता है। डिस्कशन उसमें भी यही होता है कि भाई हम कौन सा इंक्रिप्शन करेंगे, कौन सा हैशिंग करेंगे, ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन फेज वन से मिली होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड करते हैं, अगर पीएफएस एनेबल होता है उसके बेसिस पे ये प्रपोजल भेजा जाता है। इसी तरह अगर क्विक मोड का मैसेज टू हो तो सेम होता है, रिस्पॉन्डर की साइड से उसका रिस्पॉन्स आता है कि मैंने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, ये इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट कर ली, आप आगे बढ़ो। यहाँ पर टीपी हेलमेन की एक्सचेंज तब होता है जब यहाँ पे पीएफएस एनेबल होता है। पीएफएस क्या होता है, कैसे काम करता है, वो हम आगे चल के बात करेंगे। क्विक मोड का मैसेज थ्री होता है, उसके अंदर एक्नॉलेजमेंट आती है। एक्नॉलेजमेंट मतलब ठीक है हमारी तरफ से सब ओके है, ऑल डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये तीनों, अब आप देखिए इसका ऑरेंज कलर जो आ रहा है इसका मतलब ये तीनों मैसेजेस एनक्रिप्टेड हैं। अब एनक्रिप्टेड क्यों है, एनक्रिप्टेड इसलिए हैं क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो फेज़ वन के अंदर कीज जनरेट हुई थी और जो भी सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई थी, सिक्योरिटी असेशन जो जनरेट हुए थे, उन सब का यूज़ करता है क्विक मोड बाय डिफ़ॉल्ट। इसी वजह से जो क्विक मोड होता है फेज़ टू होता है इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये फेज़ वन पर डिपेंडेंट होता है, फेज़ वन की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है और उसी से ही अपने आप को एनक्रिप्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्चुअल डेटा सेंड करना होता है, हमारी मजबूरी है, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, हमें एनक्रिप्ट ही रखना पड़ेगा इस सब को। तो यहाँ पर ये जो मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, यहाँ पे आईपीसेक प्रपोजल भेजा गया, वही हैगल आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन भेजी गई, ऑथेंटिकेशन डेटा भेजा गया, शॉर्ट मैसेज है, एक के अंदर सब कुछ भेज दिया। उसी के बाद रिस्पॉन्डर का मैसेज आएगा, सब कुछ सर्च करेगा, अपने एंड से कीज जनरेट करेगा और उसके पास एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। यहाँ से एक्नॉलेजमेंट जाएगा, वो भी अपने एंड से जो सेंडर है एक्सेप्ट करेगा, अपने कीज जनरेट करेगा, दोनों साइड के पास अपने अपने कीज हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अपना एक्नॉलेजमेंट इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। सिंपल सा फॉर्म है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस इंपॉर्टेंट ये है कि क्विक मोड जो होता है फुली एनक्रिप्टेड होता है, इसके अंदर कोई भी क्लियर टेक्स्ट वाला पंडा नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी फेज वन से सब कुछ यूज़ कर रहा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर लेवल वन के अंदर इन्फॉर्मेशन यहीं तक ही, लेवल वन में हमने सिर्फ एक ओवरव्यू देखा है कैसे स्पेसेस काम करते हैं, इन सब का यूज़ क्या स्पेसिफिकली होता है, और जो बाकी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन होगी, जो डीप डाइव होगा, वो हम लेवल टू में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यू टाइम, यू हैव अ ग्रेट डे अहेड।